अंग्रेजी नहीं आ रहा है सरोजनी से सस्ता सामान लेने के लिए। ओके गाइस, अभी हम निकल रहे हैं देहरादून से, सुबह के 4:30 बजे हैं। अभी हमें यहाँ से जाना है ऋषिकेश, ऋषिकेश से अपना सामान लेना है, वहाँ से हमें जाना है बस स्टैंड पे, वहाँ पे हम ये स्कूटीज देंगे और वहाँ से बस लेके जाएंगे। कहाँ जाना है? हरिद्वार। और हरिद्वार हमारी बस है 7:15 पर, तो अभी जल्दी से निकलना है। तो हम ऋषिकेश पहुंचते हैं और एक ऑटो हमने बुक कर लिया था इलेक्ट्रिक, और उसके अंदर हमने अपना सारा सामान और हम जैसे तैसे करके बैठ गए थे घुस घुस के, लेकिन फिर भी ये ऑटो हमें ले जा ही नहीं पाया था, तो हमको दूसरा ऑटो करना पड़ा, ये वाला जिसमें भाई थोड़ी पावर थी ज़्यादा और हमको थोड़ा तेज़ पहुँचा पाया, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो इतना सामान लेकर आए थे कि वो 2-3 महीने कहीं तो रुकने आए हैं भाई। ओके, सो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं बस स्टैंड का इंतजार, मतलब बस स्टैंड पे खड़े हैं बस स्टैंड का इंतज़ार। तो गाइस अभी हम बस स्टैंड पे आए हैं, मतलब ये बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड और आगे था, लेकिन बस का रूट यही है, तो हम यहीं पे उनसे पूछ लिया है, तो हम यहीं पे रुकेंगे और बस पे बैठ के और फिर अभी जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली पे 5-6 घंटे है, उसके बाद में ट्रेन है वहाँ से हमारी जयपुर की, डायरेक्ट आज रात को जयपुर पहुँच जाएंगे। तो अभी सारा सामान वामान उतार दिया, पूरा पीछे हमारा सामान है, और यहाँ पर ही हम सारे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं 15 मिनट से, अभी तक तो आए नहीं, और बस आज लेट नहीं हुआ, ये आज हम लेट नहीं है, आज हम बहुत जल्दी निकल गए थे 4:30 बजे यहाँ से। तो हम नोएडा के अंदर एंटर हो चुके हैं, और एक चीज दिखाता हूँ तुमको, ये देखो, पता नहीं क्यों उड़ रहे हैं लेकिन उड़ रहे हैं बिल्डिंग के पास में। पीछे नोएडा का इतना बड़ा साइन आया था लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, चाहता था मैं उसको भी ऐसे सीने में ऐसे करके ऐसे ले लूँ, लेकिन नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में हम जाएंगे सरोजनी। ये दिल्ली का मेट्रो स्टेशन तो बहुत ही खाली है क्या? हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। खाली खाली कैसे लग रहा है इतना ज़्यादा, या फिर इतने ही होते हैं यार, इतने तो नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए ना इधर तो। आगे गाइस हमारी मेट्रो भी, दिल्ली मेट्रो में पहली बार, लेट्स गो। जयपुर वाली तो बहुत खाली थी, उससे कम से कम 150 गुना ज्यादा लोग भरे हैं इसके अंदर, बाकी तो पता नहीं, ये देख के मैट्रिक्स की याद आ गई, ये क्या चल रहा है पीछे, समझ में तो नहीं आ रहा मेरे को कुछ भी, जाना है अगर गलत चले गए तब दिक्कत होगी, वैसे तो लिखा हुआ है, अनपढ़ तो है नहीं, चले जाएंगे सही, मजाक कर रहा हूँ भाई, हमको सब पता है, मेरे को सब आता है भाई। ये मेट्रो देख के तो सैन एंड्रियास की याद आ गई मेरे को, ऐसे इसके अंदर है ना ये पूरा बंद है, ओ ट्रेन भी आ गई, क्या बात है, इसी में बैठना है अभी, फिर चलता है सरोजनी। हमें ऐसे बोला था कि पिंक लाइन, पिंक वाली मेट्रो ट्रेन को फॉलो करना, हम ऑलरेडी 3 मेट्रो चेंज कर चुके हैं, उसके बाद में हम सोच रहे थे पिंक लाइन, मतलब ऐसे गवर्नमेंट को ना ऐसे ज़मीन पे लगा देनी चाहिए पिंक लाइन ही, लेकिन फिर हमने देखा कि मतलब ऑलरेडी है कुछ, ये जो पाँव के निशान है ना पिंक पिंक, इसका मतलब ये वो पिंक वाली लाइन है, पिंक वाली मेट्रो स्टेशन के पास होता है। मैं पहले से मैं सोच तो रहा था कि ऐसे ऐसा तो नहीं कि अपन पहले जिन्होंने ये आइडिया सोचा है, ये बनाने वाले बेवकूफ तो है नहीं। अभी हमारे हमको एक और ट्रेन में बैठना है, फिर जाके हम पहुँचेंगे सरोजनी, पता नहीं 3-4 चेंज कर लिए हमने। ओके, सो फाइनली अब पहुँच चुके हैं सरोजनी मार्केट, अभी भाई अंदर जाके देखेंगे क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता, देखते कुछ अच्छा लगे तो ले लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। एयरपोर्ट बढ़िया, यहाँ से चार्ट करते हैं, अंग्रेजी नहीं आ रहा है सरोजनी से सस्ता सामान लेने के लिए। अभी हम देखते हैं शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, आप देखते कुछ अच्छा मिलेगा तो लेंगे, वरना रहने देंगे, मतलब रहने तो नहीं देना, लेके तो जाएंगे। और ये बाहर जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, इसमें हम मर जाएंगे दब के, और कोई सीन नहीं, अगर चोरी वोरी का भी सीन बहुत ज़्यादा है, तो अभी सामान की देखभाल भी करनी पड़ेगी भाई, थक गए कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, और एक तो ये बैग है ना भाई चला भी नहीं जा रहा, कुछ देख भी नहीं पा रहे, और कुछ है ना लेने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, बट वैसे वो आ नहीं रही अंदर से कि खरीदे ले, पता नहीं क्यों,
एक्चुअली क्या बहुत सारी दिखती ना, हाँ वो चूज़ करना मुश्किल होता है कि क्या लेना। ओके सो कुछ टी शर्ट्स और परफ्यूम तो लिए मैंने, बट सम्यक ने दिखाता हूँ, रुके ब्राउन कलर की टी शर्ट लिया वैंस की, इतनी प्यारी क्वालिटी है, मेरी वाली भी अच्छी है ना। हम दोनों ने एग्जैक्टली सेम टी शर्ट, सेम कलर, सेम वो की वही प्रोडक्ट हम दोनों ने असलियत में बस दो ले लिए थे, और हम दोनों को ही नहीं पता थे, और वो दोनों ही हमें पूरे सरोजनी में सिर्फ वही अच्छे लगे थे, और वो हमें इधर जयपुर आके पता चला कि अच्छा तूने भी ले ली। मैंने बोला तूने भी ये ले ली, और अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ, जो बाहर जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना घर के बाहर आके तंग कर रखा है साड़ों ने, लड़ते रहते हैं राम के पिल्ले रात को आके इधर। मैं तो अभी हमने मैंने तो कुछ टी शर्ट्स और परफ्यूम लिए, मेरे दोस्त ने बोला कि ये परफ्यूम हाथ पे रेसिस कर सकते हैं बिकॉज ओरिजिनल, पता नहीं कौन सा केमिकल यूज करें, और जैसे इसने कहा मेरे हाथ पे खुशबू चलने लगी पता नहीं क्यों, लेकिन मोटे कपड़े वाली नहीं है, और बस अगर कुछ गड़बड़ होने लगे हाथ पे रैशेज होने लगे तो उसको रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ कर लेंगे, बाकी वो है ही परफ्यूम तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब देखते हैं क्या क्या मिलता है, बाकी लेट हो गया, थक गए और सुबह से कुछ खाएंगे तो भूख अलग से लग रही है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। अभी हम बैठे स्टेशन पे और हमारा एक जना अभी भी नहीं है हमारे साथ, पता नहीं वो यहाँ तक आ पाएगा नहीं आ पाएगा पता नहीं, वो गुड़गांव से बैठेगा ठीक है। तो सीन थोड़ा ऐसा है कि अभी हम यहाँ से 1 घंटे बाद चले जाएंगे, जयपुर पहुँच जाएंगे 10:30 बजे तक। क्या ओके सो फाइनली आ गए हमारी डबल डेकर, ऊपर बैठेंगे हम शायद, पता नहीं है नीचे बैठेंगे, अपर डेक पर ओके मतलब हाँ ठीक है, तो रुकनी नहीं चाहिए थी पता है, कोयला लगता है इन ट्रेनों में पता है, पता है कोयला अभी 2 मिनट पहले तो इलेक्ट्रिक थी। अरे इससे पूछ रहा हूँ ना, इसको क्या ही पता होगा। ओके सो फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, ये हमारी डबल डेकर ऊपर की तरफ बैठे हम ना, नीचे नहीं ऊपर, वैसे मैंने पहले बता दिया था हाँ तब भी, अभी तो सब अलग अलग बिखरे के बैठे हैं पता नहीं कैसे, सब अलग अलग बैठे हैं, ऐसे जिसको जहाँ सीट मिली वो वहीं बैठे हम, बाकी ये मेरी विंडो बहुत खराब है दिख नहीं रहा, मेरी विंडो बहुत खराब है इसके अंदर दिख नहीं रहा कुछ भी, देखो मैं दिखाता हूँ ये देखो, देखा गंदा है ना, हाँ तो व्यू तो खराब हो चुका है। ओके सो मैंने ब्रेड कटलेट पहली बार लिया और अब पता चला इसमें ब्रेड अलग से आई है और एक कटलेट अलग से दिए हैं, अब इसको खाना कैसे वो मेरे को ये बता रहा है, इसमें सॉस तो डाल दिया आप क्या करो, ये ब्रेड ली ठीक है हाँ, तो कटलेट खाना मैं निकाल ले, भाई तो खाना थोड़ी सा तेरे को बताना था, टाइम पास है अच्छा तुम ही कह सकते हो इसको। ओके सो ट्रेन से तो मैं उतर गया एंड अभी बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, बाइक 2 बार कैंसिल हो गई है और मतलब अभी पता नहीं घर कैसे जाऊँगा, मतलब बार बार कैंसिल हो जा रही है, बाकी सब चले गए देखते हैं, और दिक्कत ये कि अभी घर पे भी कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं डिनर विनर करने, तो मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ यहाँ पे, ये दिक्कत है। ओके गाइस फाइनली एट लास्ट मैं घर पे पहुंच गया हूँ और अब ये ट्रिप ओवर हो गई है फाइनली, और ये ट्रिप है ना सही में ड्रिप चढ़वा देती, और एक छोटी सी दिक्कत ये है कि अभी मेरे को लग रही है भूख बहुत ज़्यादा ठीक है, तो मैंने जो सोचा था कि मैं घर पे आऊँगा, घर पे आके घर पे बताऊँगा कि मेरे को भूख लग रही है, आप मेरे को थोड़े से पैसे दे दीजिए पापा ताकि मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ, तो पापा ने मेरे को बोला कि तेरे पास क्या 50-100 रुपये भी नहीं है, मैं मन में सोच रहा हाँ इतने तो हैं लेकिन इतने में वो बर्गर नहीं आएगा ना क्या करें, तो अभी पता नहीं भाई क्या सीन है भाई, भूखा ही सोना बढ़िया लग रहा है मेरे को।